और वही गुजरात और एमसीडी चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी महासचिव और मोर्चा अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। आज सुबह 10 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। काफी अहम और बड़ी बैठक है। गुजरात के दंगल में बीजेपी कोई दांव नहीं छोड़ना चाहती है। हर दांव विरोधियों को चित करने की और जीत में बदलने की। इसी सिलसिले में आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के महासचिव और कई मोर्चा अध्यक्षों की बैठक होने जा रही है। ये बैठक सवेरे 10 बजे शुरू होगी। इस बीच गुजरात की सत्ता पर 27 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। इस सूची के साथ ही बीजेपी अब तक 166 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने 16 सीटों पर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी ने धुरारजी, खम्बालिया, कुतियाना, भावनगर पूर्व, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित डेडियापाड़ा और 84 विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने धुरारजी सीट से महेंद्र भाई पाटलिया को टिकट दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पार्टी ने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए थे। साथ ही पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर आए हार्दिक पटेल समेत 7 नेताओं को भी टिकट दिए थे।